हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की मेरी नई रेसिपी है स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। ये डबल लेयर स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक यूजुअल स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक से भी ज्यादा डिलीशियस बना है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज करे हैं जिसके कारण ये और भी टेस्टी और डिलीशियस बना है। और मेरे सभी फैमिली मेंबर्स को ये बहुत ज्यादा पसंद आया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर करा जाए। तो आप फटाफट इस झटपट वाली रेसिपी को ट्राई करिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं ये स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक कैसे बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने मिक्सी का एक जार लिया है, उसमें मैंने डाली है स्ट्रॉबेरीज। फिर मैंने लिया है यहाँ पे मिक्स फ्रूट जैम, आपको स्ट्रॉबेरी जैम मिल जाए तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने लिया है रेडीमेड क्रीम चीज़, उसके मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून डाले हैं। आप चाहें तो घर में भी क्रीम चीज़ बना सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जा करके देख लीजिएगा। देखिए अब इसको मिक्सी में मैंने ब्लेंड कर दिया है, तो देखिए कितने बढ़िया जो है क्रीमी टेक्सचर आया है इस स्ट्रॉबेरी मिक्सचर का। अब एक ग्लास लेंगे, उसको हम हाफ फिल कर देंगे अपने स्ट्रॉबेरी मिक्सचर से। हाफ फिल कर देने के बाद मैंने सेम वही जार लिया है, उसमें मैंने फिर से थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज ऐड करी हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाला है सोया मिल्क, आप चाहे तो कोई भी मिल्क यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आलमंड मिल्क या स्किम्ड मिल्क। उसका यहाँ पे मैंने 1 कप मिल्क ऐड करा है, और उसके बाद मैंने इसमें ऐड करा है स्वीटनेस के लिए थोड़ा सा शहद, आप चाहे तो शुगर फ्री भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इस मिक्सचर को हम मिक्सी में अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। आप लोग फटाफट इसके इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो हमारा स्ट्रॉबेरी शेक बन करके रेडी हुआ था, वो हमने जो ग्लास हाफ फिल्ड करा था उसके ऊपर हम डाल देंगे। देखिए बिल्कुल फटाफट वाली रेसिपी है, और ये जो इस तरीके से जो मैंने स्ट्रॉबेरी शेक बनाया है ये बहुत ही डिलीशियस और क्रीमी बना है। तो आप लोग फटाफट इस रेसिपी को ट्राई करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।